नमस्कार, दुआ सलाम और सबको मेरी राम राम। मेरा नाम है ज्योति वैद और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो आपके लिए मिसाल बन सकती है, जिनका नाम है किरोड़ीमल शर्मा जी, जो महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव खातीवास में रहते हैं। उम्र 70 वर्ष, जज्बा जवानी का, हुनर हौसला और कला सब देखने को मिलेगा आपको एक इंसान में। अगर हमारे हाथ की उंगली पर हल्की सी खरोच भी लग जाए तो हम कई दिनों तक काम नहीं कर पाते, लेकिन मैं कहूँ कि किरोड़ीमल शर्मा जी के एक हाथ का अंगूठा कटा है और उसके बाद भी वो एक कांच की बोतल के अंदर एक पूरा अंडा, जी हाँ मुर्गी का पूरा अंडा, बिना बोतल तोड़े उसके अंदर डाल सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। वो मुर्गी के अंडे के साथ साथ लकड़ी की बनी चारपाई, साइकिल, लकड़ी की रई और न जाने क्या क्या कांच की बोतल के अंदर उसको बिना तोड़े डाल सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। आइए चलिए चलते हैं खातीवास की यात्रा पर। खटिया डालते हैं इसके अंदर, रिक्शा डालते हैं, साइकिल डालते हैं, तो ये सब देखने योग्य है सारी चीजें। आप जाइए, सरकार से कुछ मदद मिलेगी, लोगों को कला मिलेगी। मेरा नाम शकुंतला है और मेरा हस्बैंड ये काम करता है, सीसी कांच की है, बोतल में खाट, चारपाई, ये सीढ़ी, ये रई, ये जो भी लकड़ी का काम करता है ये इसी में डाल कर और किसी भी लड़की की शादी हो मैं जी भर कर देती हूँ। वो उस साल से ये नौकरी करके ड्यूटी करके कमरा पर जाकर चाय पानी करके बैठ जाता, लग जाता। मैं कभी कभी तो गुस्सा में भी आती कि आप तो आता ही लग गए, ना साग ना सब्जी ना लेना देना ना पूछना था सर, तो ऐसे ही भक्ति रहोगी, मैंने काम करना। फिर मैं सोचती कि ये करेगा तो किसी को दे दे दूंगा। मैं इसमें डालूंगा अब और अकेला डालूंगा भाई, किसी के सामने नहीं डालूंगा ये। आप कमरा बंद कर दो अपना, मैं सबके सामने नहीं डालूंगा ये, डालूंगा अकेले। बेटा मैंने खाट डाल दी है, अब आप अपना कमरा ऑन कर लो। आपके सामने ये चारपाई है, ये सीढ़ी ये डली हुई, ये देख लो, ये रिक्शा भी है और ये साइकिल भी है, ये भी डाल दी है और ये रही है, ये भी डाल दी बेटा। ये देखो, ये मैंने जो कील ठुकी आ रही है, देखो पहले मैं मुर्गी का अंडा, कुतुब मीनार ये सब डालता था, मंदिर बनाता था बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन अब दिखता नहीं होता बेटा। अब मन सिखा, हाँ अब तेरे को सिखा देते हैं भैया, तू सीख लियो, अब सारी चीज इसको सिखा लूँगा मैं। मेरा नाम है किरोड़ीमल शर्मा और मेरी उम्र है 69 वर्ष।
मेरा काम 40 वर्ष पहले शुरू कर दिया था मैंने करना। मैं दिल्ली में रहता था और वहीं काम शुरू किया था और सब मैं लड़कियों को ही दिया था फ्री में, कभी किसी को पैसा नहीं दिया आज तक। किरोड़ीमल जी की महानता का स्तर देखिए कि उन्होंने अपने हाथ से बनी हुई अपने संग्रह की वस्तुओं को कभी बाजार में ना बेचकर उसकी कीमत नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कला की कद्र होती है कीमत नहीं। सकड़ा, बेलन, पाटा, रई, सीढ़ी, कुतुब मीनार सब कुछ बड़ा है मैंने बेटा, अंडा मुर्गी का सब डाला मैंने बोतलों में बेटा। हमें तमन्ना थी वो पूरी नहीं हुई, किसी ने जार लागे नहीं दिया बड़ा, नहीं तो उसमें मैं ट्रेन चलाता, वो किसी ने लागे नहीं दिया बेटा मुझे। आपने ये पहली बार कब और कैसे बनाया? आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे और कब आया? वो बेटा मैंने सुना था, बस सुन के ही बनाया था मैंने। कम से कम 50 बोतल तोड़ी होंगी बेटा, 50 बोतल लगता गुस्सा आता नहीं डलती फोड़ देता बोतल। कुछ मैंने सीखा नहीं, सिर्फ एक बोतल रई की दाल नहीं सीखी थी, वो भी मेरी जीजाई दाल रहे तब मैंने छुप के सीखी थी, वो भी करकेन में कलकत्ता के पास। वहाँ मैंने एक रोशनदान में देखा था उन्हें, तब बस वो सीखी थी उनसे, वो भी मैंने देखी छुप के चोरी से, वो भी सामने नहीं बेटा, उन्होंने दिखाई नहीं, कहा बोल तो कोई रास्ता ही नहीं, तो मैंने एक स्टूल डाला एक रोशनदान था उसमें से देखा उसे बेटा, और तब वो मैंने डाली। ये हाथ मेरा कट गया था 40 वर्ष पहले। हम मेरे को दिक्कत तो इससे जरूर आती है, पकड़ने में किसी भी चीज़ में दिक्कत तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं उस दिक्कत को अपनी हल कर लेता हूँ, किसी भी तरीके से हल करके मैं कर लेता हूँ काम। ये अंगूठा कटा 3 महीना हम खाली पेट हुए, पर हमें कोई महसूस नहीं आने देखिए, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे कहाँ से लाऊंगा कर नहीं, कोई टाइम नहीं आया। आप जाइए, सरकार से कुछ मदद मिलेगी, लोगों को कला मिलेगी, भाई कितनी कला है इसके अंदर देखो। जब किरोड़ीमल जी जॉब पर जाते थे और जॉब से आते ही वो अपने इन सब कामों में लग जाते थे, आपको टाइम नहीं दे पाते थे, तो आपको कैसा लगता था? अच्छा लगते थे, चाय पानी पिला देती बाद में लग जाते, मैं कभी मना नहीं करती ताकि ये मत करो, मैं ये चाहती थी कि लगे रहूँ करने के लिए, तो मेरे को 4 बोतल मिले तो मैं किसी की लड़की की शादी हो तो मैं लेना चाहूँ। अब आप इनसे क्या चाहते हैं? अब भी मैं यही चाहती हूँ कि ये जिस जब तक इनको आंखों से दिखाई दे इनके ही लगे रहूँ। क्या आप चाहते हो इस कला को आपके घर में कोई सीखे या सरकार इस कला को बढ़ावा दे? बोलते रही थी इनको ताकि आप तो बुजुर्ग हो गए, कल मर गए तो किसी को तो सिखा के जाओ, तो आपके कलाकार भी रहे, नाम भी रहे, दूसरा सीखे तो वो भी यही काम करे, तो ऐसे तो सिखा बोलेंगे कि भाई मेरा बाबा या ताऊ मेरे को ये कलाकार दे के गए। तो शर्मा जी ने ये काम शादी के पहले सीखा था या शादी के बाद? मेरी शादी होने बाद में, मैं बाहर जाने देने में खुश ना हूँ, जो मेरे ध्यान में होगी ना उसको देनी है, जबरदस्ती बनवाऊँगी। बाहर गई दिल्ली हूँ तो फ़ोन करूँगी वो लड़के कितनी तारीख की शादी है, 4 बोतल आनी चाहिए। आपको आपके पति की कला पर कैसा महसूस होता है? बहुत फुल महसूस, अब भी खुश हूँ मैं, मैं तो अब भी बोलती हूँ वहाँ बैठे वहाँ बैठा तास बाड़ा को ना कोई का लड़ाई झगड़ा हो तो यहाँ बैठे बैठे करता रहूँ, ऐसा काम किया ही नहीं है ना, हमारी खान पीने की पूर्ति करी ये ड्यूटी टाइम कर कर बाद में खाली टाइम में करें, कोई को परेशान नहीं है हमारे काम करने में, इस काम किसी को भी ये परेशान नहीं है कि क्यों कर रहा है, मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरी बहू भी बहुत खुश है। हम चाहते हैं जैसे हम देख रहे हैं तो ये पूरा हिंदुस्तान भी देखे और कला की पूजा होती है। जब मैंने पहली बार इस बोतल के अंदर चारपाई को डालते हुए देखा मैं सोचा ये तो जादू वाला काम है, इसके अंदर कैसे डाल दिए इन्होंने, आ ही नहीं सकती चारपाई, मैंने काफ़ी इनके साथ ये नहीं नहीं ये मैंने डाल लिए, मैं पूछता आप कैसे डाल लिए इसके अंदर, ये तो बहुत भारी काम है। मेरा नाम शांति है और ये मेरे जेठ की लड़कियाँ हैं, हाँ मेरा लड़का सीख रहा है और बोतल के अंदर वो कई प्रकार की चीज़ें डालता है, बहुत अच्छा कलाकार है ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन गांव में हैं इसलिए इनका थोड़ा सा परिचय बाहर से नहीं हो सका, अगर कहीं शहर में या कहीं बाज़ार में होते तो इनकी कलाकारी बिल्कुल अभी तक फोटो में अखबारों में और अपने पिक्चरों में चली जाती। तो सर ये कला आप बाकी सब लोगों को क्यों नहीं सिखाते? किसी को शौक ही नहीं सीखने का, सिखाऊँ उसे जो सीखे और जो करे।
आप हमारे दर्शकों या सरकार से कुछ कहना चाहोगे? बेटा मैं क्या कहूँगा, मेरे बेटे हैं, तीनों सामर्थ हैं, अपना धंधा करते हैं बढ़िया। मैंने मेरे करने में कमी नहीं छोड़ी, इनको सब कुछ करके दे दिया। अब इनकी मर्जी है अच्छा करें या बुरा करें, मैं बेटा सुख से इनकी अपनी रोटी खा रहा हूँ और जी रहा हूँ, बस मुझे यही चाहिए था, ये मुझे मिल भी गया। एक बेटी है, तीन मेरे बेटे हैं बेटा, सब मौज में है। तो चलते चलते हमें ये बताइए कि ये बोतल आप कहाँ से लाते हो और क्या सोच कर लाते हो? ये बेटा ऐसा है, बोतल में जाता हूँ कबाड़ी के यहाँ, कबाड़ी के यहाँ मैं बोतल में देखता हूँ, इसमें रई जल सकती है, इसमें सीढ़ी जल सकती है और इसमें चारपाई जल सकती है, इसमें कुतुब मीनार बन सकती है, इसमें अंडा डल सकता है। वो सब बोतल में छांट छांट के कबाड़ी से ले लेता हूँ, वो जो पैसे मांगता उसे दे आता हूँ, और पर बोतल 2 रुपए की हिसाब से। किरोड़ीमल जी अपने विशेष संग्रह से बनी हुई वस्तुओं को अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों या लड़की की शादी पे उपहार स्वरूप देते हैं। देखा, जिसे कीमत से ना खरीदा गया उसे कुछ लोगों ने प्यार से पा लिया। जी हाँ, ये किरोड़ीमल जी की विचारधारा है। माफी चाहेंगे, इन्हें ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया।